तो ये इधर का सबसे छोटा रूम है, देखो कितना ज्यादा तगड़ा है यार, ये सबसे छोटा रूम है यहाँ का। जल्दी से इसको मारते और सारे के सारे कैमरा फोड़ते, फिर अपन को पूरी की पूरी ज्वेलरी शॉप लूटनी सारे। अरे क्रिश, तेरा घर पूरा का पूरा तैयार है यार, टेंशन मत ले तू बिल्कुल भी। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग, आप सबका स्वागत है जीडीओ व्यू की वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और ये है शिनचैन। अरे विकी भी इनको मेरा नाम तो पता ही है, मेरा नाम है शिनचैन न है रहा है और मेरी उम्र 5 साल है और मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ठीक है ठीक है। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने फ्लाइंग जेट को उसको अंडर वाटर हाउस दिला दिया था, पर क्रिश को हमने कोई घर नहीं दिलाया था। तो आज हम क्रिश को अपना नया घर दिलाने वाले, और यहाँ पे हमने अपनी पैसों वाली डेकोरेशन भी कर दी, हर जगह पूरे घर में पैसे पैसे फैला दिए, एकदम बढ़िया लग रहे हैं बिल्कुल। अरे विकी भी और पैसे फैलाने पड़ेंगे, जल्दी और पैसे लेके आओ। अब यहाँ लेके आता हूँ, रुक जाए एक चीज दिखाऊं। अरे भैया भी क्या कर रहे हो यार, उसमें मेरे को पनीर पकोड़े बनाने थे यार, फेंकी भैया ये क्या कर दिया। अबे कोई बात नहीं यार, एक और ले लेंगे यार, अपने बहुत पैसे हैं। अरे फेंकी भैया यार ऐसे नहीं होता यार। आइला जादू, मैं आ गया, फ्रैंकलिन ने मुझे बुलाया है मेरे नए घर के लिए, इसलिए मैं आ गया। आइला जल्दी से चलते हैं, फुल स्पीड में भागूंगा। आइला पिछली बार तो उस फ्लाइंग जेट ने मेरा ले ले लिया, ये मेरा वाटर हाउस ले लिया था, ये क्या हो गया। आइला 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 ये क्या हो गया, लग गई रहे। आइला मैं आ गया फ्रैंकलिन, आइला मैं आ गया। अरे विकी भैया देखो काला कबूतर आ गया। अबे चुप हो जा यार, उसने सुन लिया फिर तेरे को मारेगा पिछली बार की तरह। अरे विकी भैया मेरे को क्यों मारेगा यार ये। आइला बताओ मेरा घर कहाँ पे है। अरे हाँ तेरा घर तैयार है, टेंशन मत ले, थोड़ी देर में तेरे को बुलाऊंगा, वहाँ पे आ जाइयो। अरे फ्लाइंग जेट कहाँ पे है यार। बच्चियों के समझ नहीं आता, मैं आ गया। ओ यार साडा जेट लग गई रे, अरे लग गई रे। अरे विकी भैया देखो ब्लू कबूतर। अरे बच्चियों के समझ नहीं आता, मैं ब्लू कबूतर नहीं ट्राइगर श्रॉफ यानी फ्लाइंग जेट हूँ। अरे मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरा नाम शिनचैन नो है और मैं बच्चा हूँ, मेरी उम्र 5 साल है। अरे बच्चियों के समझ नहीं आता, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, बताओ आज कहाँ चलना है अपन को। अरे बताया था ना आज अपन को उधर घर चलना है। अरे ठीक है फिर चलो ना यार, आजा क्रिश चल रेस लगाए उस घर तक। आइला चल रेस लगाते। बच्चियों के समझ नहीं आता, मैं ही जीतूंगा। आजा क्रिश क्या करेगा, मैं तो उड़ सकता हूँ, तू दूसरे भागता है। अबे यार शिनचैन मैं तो एक बात बताऊँ, किसी को बताएगा तो नहीं ना। अरे विकी भैया मैं क्यों बताऊंगा यार, बताओ ना क्या हो गया। अबे यार ये सारे के सारे पैसे जो पड़े ना वो सारे नकली है। अरे विकी भैया क्यों मजाक कर रहे हो यार, इतने मस्त पैसे तो हैं यार असली वाले। अबे असली नहीं है यार, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे, मैंने वो अंडर वाटर हाउस खरीदा था वो मेरे लास्ट पैसे थे, मैंने सारे के सारे उसमें पैसे लगा दिए और ये मैंने नकली नोट लेके आया था। अरे विकी भैया फिर आप क्रिश के लिए घर कैसे खरीदोगे। अबे वही तो समझ नहीं आ रहा, उसको पता चला तो यार फोड़ देगा मेरे को यार, ये तो नकली पैसे लगा रखे हैं तो अपन ने। अरे विकी भैया फिर तो उसको फोन करो ना। अबे हाँ यार उसको ही करता हूँ। हेलो मेरे को तेरे से काम था, कहाँ पे मिलेगा। अच्छा ठीक है वहाँ पे आ जाओ, मैं मिल जाएगा ना तू। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ यार, कुछ पैसे चाहिए थे मेरे को। अरे हाँ मैं ठीक है जल्दी से आता हूँ, शिनचैन को भी लेके आऊंगा साथ में। अरे विकी भैया क्या हो गया। अबे रुक तो जा, अबे चल शिनचैन जल्दी से काम होकर लगता है अपना। अरे विकी भैया क्या हो गया यार, किसने दिए पैसे। अबे उसी ने दिए। अरे फिर तो चलो यार अपन को पैसे मिल जाएंगे यार, आ जाए जल्दी के बाहर चले। तो गाइस अभी जल्दी चलते हैं उसके घर। यार आप भी सब उनको जानते होंगे यार, बिल्कुल सबके सब जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा मस्त फेमस आदमी है वो, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। अरे विकी भैया जल्दी चलाना यार। तो गाइस यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके। अभी चलते हैं उसके पास, अपन को जल्दी से पैसे मिल जाएंगे बहुत सारे, फिर अपन आराम से क्रिश को घर खरीदवाएंगे एकदम बढ़िया वाला। अरे विकी भैया जल्दी चलाओ यार, बात नहीं करना। अबे हाँ चल रहा हूँ ना यार। गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर पे और ये सामने हमारे खड़े हैं। अरे विकी भी ये तो वही है ना यार। अबे यार तेरे को तो पता है ना, तू के पूछ रहे तो गाइस ये हमारे मिस्टर बीन। वेल हबीबी तुमको क्या प्रॉब्लम होती है, हमको बता दी कितने पैसे चाहिए होती। अबे मेरे को 10 मिलियन डॉलर चाहिए। अरे क्या 10 मिलियन डॉलर चाहिए विकी भी आपको। अबे यार 10 मिलियन डॉलर चाहिए, 10 मिलियन डॉलर का घर है। वेल हबीबी तुम मेरा काम करती मैं तुमको 10 मिलियन डॉलर देती। अरे ठीक है जल्दी से बता दो मैं कर लूंगा। अरे ठीक है तुमको पूरा प्लान समझाती। अरे मुझे भी बता, मुझे भी प्लान सुनना है। अरे बच्चे को प्लान नहीं पता थी, इसको भेजती हम तुमको प्लान बता दे जल्दी आती। अरे ठीक है मैं सारा का सारा प्लान समझ गया, मैं सबका सब कर दूंगा। वल हबीबी ये सही होती, मैं जाती तो मेरी गाड़ी लेके जाती और वो काम करती और तुमको 10 मिलियन डॉलर मिलती। ठीक है मैं चलती, बाय बाय। अरे विकी भैया यार आप कहाँ जा रहे हो यार, मुझे तो अपने प्लान भी नहीं बताया। अरे कहाँ जा रहे हो यार। अबे गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। अरे विकी भैया मैं कैसे आऊंगा यार। अबे यार तू देख ले यार, ये वाली दूसरी वाली गाड़ी लेके जा। अरे ठीक है विकी भैया मैं आता हूँ, मुझे जाना कहाँ पे। अबे मेरे पीछे पीछे आ जा। अरे ठीक है विकी भैया आता हूँ, अब आगे की चलो। हाँ ठीक है जल्दी आ जा यार। तो कहीं जल्दी से चलते हैं अपन उस जगह पे, हमको बहुत ही ज्यादा तगड़ा काम करना है, हमको एक ज्वेलरी के स्टोर में ढाका डालना है, मतलब बहुत सारी तगड़ी वाली चोरी करनी, सारे के सारे वहाँ से डायमंड चुराने और सारे जाके मिस्टर बीन के लोगों को देने ताकि वो हमको पैसे दे सके। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ जल्दी से, जो है ले लगी रे।
तो गाइस जैसा कि आपको पता है यूरोपियन चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाला है, मतलब आप फिर से स्पोर्ट एंजॉय कर सकते हो और अपनी फेवरेट टीम पर बैट लगा सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन पसंद है तो डाउनलोड करो 1xBet, इस पर आप क्लासिक और ई-स्पोर्ट दोनों गेम खेल सकते हो। एंड 1xBet हाईली ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, VTG1x। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। तो गाइस यार अभी मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ, पर शिनचैन तो अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रही यार। यहाँ पे पुलिस कभी भी आ सकती है क्योंकि वो हमेशा यहाँ पे राउंड लगाने आती रहती है, क्योंकि यार यहाँ पे इतना बड़ा ज्वेलरी स्टोर है, इसलिए मुझे यार अकेले ही करना पड़ेगा। यार ये ज्वेलरी स्टोर तो यहाँ पे आ गया, पता नहीं शिनचैन कहाँ पे गया यार, वो गाड़ी में घूमने चला गया पता नहीं। और ये ज्वेलरी स्टोर आ गया, यहाँ पे आसपास तो कोई है नहीं भाई, कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। जल्दी से घुसते हैं, सीधा मारना चालू करते हैं। यहाँ पे कितने सारे गार्ड्स, एक ही गार्ड है वैसे तो, और यहाँ पे कैमराज बहुत लगे हैं। पहले जल्दी से इसको मारते गार्ड्स को, ये ले ले, और सारे के सारे कैमरा फोड़ते हैं। अच्छा मैंने हेलमेट पहले से ही पहन रखा है, मैंने उतारा नहीं। यहाँ पे देखो भाई कितने सारे कैमरा लगे हुए, सारे के सारे तोड़ते हैं और सबको डिफ्यूज कर देते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये भी गया, ये भी गया, और ये लास्ट कैमरा था इसको भी डिफ्यूज कर दिया। अब इनको मारू नहीं मारू मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पर यार गलती से भी इन्होंने मेरा चेहरा देख लिया तो वो पुलिस को बता देंगे। मारू नहीं मारू 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 समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ। चलो मार देते हैं यार, कोई बात नहीं, चलो मार देते, जल्दी चलो मारो मर जाओ, सब मर जाओ। अगर इन्होंने पुलिस ने बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से यहाँ से उठाते हैं सारा का सारा सोना अपना मस्त, सारे के सारे डायमंड रिंग्स उठाएंगे, सब मजा आएगा एकदम बढ़िया वाला। ये भी उठाते हैं जल्दी से, वो भाई ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं यार। तो वैसे यार अभी मैंने सारी की सारी ज्वेलरी उठा ली, और ये लास्ट ज्वेलरी थी भाई, कितने ज़्यादा पैसे मिल चुके होंगे यार। अभी तो अपन जल्दी जाके चलते हैं, पुलिस कभी भी आ सकती है यार। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और सीधा मिस्टर बीन के जनों के पास चलते हैं, उसको देते हैं जाके अपने सारे के सारे डायमंड, और फिर उनसे लेते हैं $10 million। भाई कितना आसान था यार यहाँ से निकलना, तो बस एक गार्ड को मारा, चार कैमरा फोड़े, बस हमारा हो गया काम, एकदम बढ़िया से निकलते हैं। अभी तो हमारे वजह से पुलिस भी नहीं है, पुलिस को पता भी नहीं चला, और बस सायरन तो बच गया था, पर पता नहीं मैं जल्दी से निकल गया। अच्छा है, पर शिनचैन भी पता नहीं कहाँ रह गया यार, पता नहीं कहाँ गाड़ी में घूमने चला गया। तो बहुत ईजी था यार ये तो, यहाँ पे मस्त आराम से मैंने चुराया और निकल लिए। भाई ये क्या हो गया यार, तो कैसे यार अभी मैंने मिस्टर बीन के लोगों को दे दिए सारे के सारे डायमंड, और हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं पूरे $10 million। और जो भी मैंने घर सोच के रखा था जल्दी से उसको जाके बुक करते, सारे के सारे उसको पैसे देते और वो घर अपना हो जाएगा, एकदम मजा आने वाला है। जल्दी से शिनचैन को भी खबर दे देता हूँ, पर शिनचैन है कहाँ वो पता नहीं, पर चलो ढूंढते जल्दी से, और क्रिश और फ्लाइंग जेट को भी बुलाते हैं उधर। A few moments later. तो वैसे यहाँ पे अभी क्रिश और फ्लाइंग जेट आ चुके हैं, और शिनचैन भी हमारा मिल चुका है। हाइला तुमने ये हेलमेट क्यों पहन रखा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम चोरी करके आई हो। हाइला अरे मैं क्यों चोरी करूंगा भाई, मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरे पास तो बहुत पैसे है। बच्ची हो गया, समझ नहीं आता उसके बाद बहुत पैसे है। हाइला चलो चलो जल्दी से चलते हैं घर पे, हमारे नए नए घर पे मेरे चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्रिश के नए घर पर, और यहाँ से उसकी एंट्रेंस। हाइला क्या बढ़िया एंट्रेंस है, जल्दी अंदर ले चलो। अरे यहाँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ। ये आ गए हम अंदर, भाई कितना ज्यादा मस्त है यहाँ पे। हाइला यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ है, मजा आ गया। एलिवन की भी है तो बहुत सारी गाड़ियाँ है यार। बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता तुम्हें, दिखता नहीं इतनी सारी गाड़ियाँ। ओह हो, इसमें तो बाइक्स भी है। बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, मुझे सारी बाइक दे दो ना। अबे क्या चल रहा है यार इनका, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा घर। हाइला रुको रुको, हम भी आ रहे हैं, हमें भी घर देखना है। अबे तो यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे एकदम मस्त सोफा लगा हुआ है, देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे, और सारी सारी चीजें भी लगी हुई। और यहाँ पे अपना 8-ball पूल टेबल मस्त बढ़िया वाला, और मेरे को अरे क्रिश ऊपर मत जाए पहले, अंदर नीचे का तो देख ले। हाइला ठीक है ठीक है, चिल्लाओ मत, मेरे को डर लगता है। अरे यहाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हो कितना ज्यादा मस्त है, यहाँ पे सनसेट भी होगा। और आपको एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज दिखाता हूँ, पहले तो यहाँ पे अपने बैठने का एरिया है, यहाँ पे मस्त आग लगी हुई है, यहाँ से लेकर चलता हूँ ऊपर, एकदम बढ़िया वाला है ये। एरिया देखी भी ऊपर तो गिरने का है, अभी गिरने का नहीं है, मतलब यहाँ से पैराशूट लेके कूदने का अभी कूद भी सकते हो तुम। तो यहाँ पे यार दो दो हेलीकॉप्टर खड़े हैं, कृष्ण ने मुझे बोला था मुझसे हेलीकॉप्टर बहुत पसंद है, तो मैंने दो तो यहाँ पे खड़े करवा दिए। वैसे यहाँ पे 10-15 तो आई जाएंगे, पर मैंने अभी दो ही खड़े करवाए हैं, कृष्ण अपने हिसाब से जो भी होगा उसको ले लेगा। और यहाँ पे ये सबसे छोटा रूम इस घर का, यार ये छोटा रूम इतना मस्त, सोचो बड़े बड़े रूम कितने मस्त होंगे। चलो यार ऊपर चलते हैं। हाइला चलो चलो ऊपर चलेंगे। बच्ची हो क्या, मैं भी चलूंगा। अबे बच्ची क्या है, कोई भी चल सकता है। तो यहाँ पे अपना मेन शुरू होता है, ऊपर आते यहाँ पे किचन एकदम बढ़िया वाला, और आपको रूम दिखाता हूँ सारे के सारे। यहाँ से एकदम मस्त से नीचे का एरिया भी दिखता है एकदम बढ़िया तरीके से। अरे विकी भी यहाँ के सारे टीवी में एक्शन कमी आता है क्या। अबे यहाँ आता है यार, तेरे को कौन सा क्रिश डराने वाला है। अरे यार क्रिश भैया यार रहने दो ना यार। बच्ची हो क्या, मैं रहूंगा, शिनचैन नहीं रहेगा। आइला तुम सब रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ पे बाथरूम अभी यूज मत करना, इसको पहले ठीक करवाना है थोड़ा सा यार अभी। और यहाँ पे अपनी बालकनी देखो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे पैराशूट कूदने की मस्त एकदम प्रैक्टिस करो, पैराशूट खोल खोल के मस्त मजे करो। और यहाँ पे अपना छोटा सा बाथटब एकदम बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे देखो तो और भी बड़ी टीवी लगी हुई है, और यहाँ पे सोफा भी लगा हुआ है। यहाँ से सीधा नीचे कूदो, और यहाँ से सीधा नीचे जाने का रास्ता, और हम आ चुके हैं पूरा का पूरा नीचे। और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी क्रिश की है, ये जहाँ चाहे जा सकता है और जितने रूम चाहे बना सकते हो। देखते हो कितनी ज्यादा बढ़िया, आपको ढंग से स्नाइपर से दिखाता हूँ भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया।
तो गाइस यार ये है ऊपर से दिखता है और अपनी बिल्डिंग कितनी ज्यादा बड़ी है, लॉस सेंटोस की सबसे दूसरी बड़ी बिल्डिंग है यार, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, इनका घर देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अरे भाई मैं गिर गया, वो बच गए मेरे को लगा मैं नीचे तो नीचे जाऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बताना यार आपको घर कैसा लगता है, बढ़िया लग रहा है ना घर। एक तो यार इन दोनों को दिला दिया, सिंचन नहीं बोल रहा उसको भी नया घर चाहिए तो उसको भी देखते हैं नया घर दिलाएं, या बता देना कमेंट में अगर सिंचन को नया घर दिलाएं तो, और उसके भाई भी देखते पता नहीं अंदर क्या करें, पता नहीं पार्टी की तैयारी करें बोल रहे पार्टी करेंगे, अगर आपको पार्टी भी देनी है तो बता देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लगी।